नॉर्मली मैथ में जैसा होता है वैसे इसमें, ठीक है? तो इस तरह से अपन फंक्शन लगाएंगे, बताइए परसेंटेज तक आ गया? आ गया दीप शिखा। अब अपन अगला यहाँ पर चलते हैं, अगला है अपना डिवीजन, ठीक है? डिवीजन अपन किसके बेस पर निकालते हैं? परसेंटेज के बेस पर। अगर किसी की डिवीजन फर्स्ट है तो अपन समझ जाते हैं कि उसके 60 से ज्यादा परसेंटेज होंगे, अगर किसी की सेकंड है तो समझ जाते हैं कि 60 से कम परसेंट होंगे। तो डिवीजन किसके बेस पर आता है आपको यहाँ पर ये नहीं देखना कि टोटल में परसेंटेज कर लिया तो डिवीजन में परसेंटेज कर लेंगे, आपको ये देखना है कि डिवीजन किसके बेस पर निकलता है, परसेंटेज के बेस पर। इसलिए अपन यहाँ पर परसेंटेज का सेल एड्रेस लेंगे। हमने आपको स्टार्टिंग में भी बताया था, ऐसी जगह जहां पर अपने पास एक से ज्यादा कंडीशन है वहां पर अपन यूज करते हैं इफ फंक्शन का। क्यों करते हैं? क्योंकि हमारा आंसर तो एक सही है, लेकिन उन चारों में से कोई सी कोई ना कोई सी वहां पर अप्लाई होनी है, ठीक है? अब वैसे तो आप नॉर्मली देख देख कर टाइप कर सकते हो, लेकिन अभी तो अपने पास कम डाटा है, बहुत सारे स्टूडेंट रहेंगे, आपके पास बहुत सारा डाटा रहेगा, कब तक आप करोगे? एक्सेल का मीनिंग यही है कि आपको सिर्फ एक में करना है, सभी में वो ऑटोमेटिक कर देता है। तो अपन यहाँ पर इफ फंक्शन का यूज करेंगे, इक्वल लगाकर लिखेंगे इफ, ठीक है? जब भी आप कोई भी फंक्शन यूज करते हो हमेशा उसके बाद यहाँ पर ब्रैकेट आता है, ठीक है? फंक्शन लिखा अपन ने, ब्रैकेट स्टार्ट हो जाता है। परसेंटेज के बेस पर निकालना है तो अपन यहाँ पर परसेंटेज के सेल एड्रेस पर क्लिक करेंगे, ठीक है? अब हमें क्या करना है देखना, इफ मतलब यदि, इस सेल में ग्रेटर देन का साइन लगाएंगे और इक्वल यानी बड़ा, ठीक है? अगर इस सेल में बड़ा है बराबर है 60 के, ठीक है? इतना क्लियर है? तो उसके लिए अपन लगाएंगे कोमा, और डबल इनवर्टेड कोमा में जो भी आपको आउटपुट में यानी कि आंसर में चाहिए वो आप डबल इनवर्टेड कोमा के अंदर लिखेंगे। तो डबल इनवर्टेड कोमा स्टार्ट करेंगे, हमने लिख दिया यहाँ पर फर्स्ट, ठीक है? और तुरंत आपको फर्स्ट लिखने के बाद डबल इनवर्टेड कॉमा क्लोज करना, क्योंकि ये जो है अपनी कहाँ लिखी, ये नहीं करना कि पहले कॉमा लगाया था फिर डबल इनवर्टेड कॉमा लगाया था, तो यहाँ पर भी ये करना कि पहले कॉमा फिर डबल इनवर्टेड कॉमा, ठीक है? ये आपकी हो गई एक कंडीशन, कॉमा फर्स्ट चाहिए अपन को आउटपुट में, इसलिए उसको अपन ने लिखा है डबल इनवर्टेड कॉमा के अंदर, ठीक है? अगर अभी आप एंटर करते हैं तो भी ये फॉर्मूला आपका सही है, क्योंकि जिस जिस सेल में इसको एंटर करना है, जिस जिस सेल में इसको फर्स्ट मतलब 60 या 60 से ज्यादा बड़ी संख्या मिलती है उसमें इसको फर्स्ट देगा वो, और जिसमें कोई 60 से छोटी संख्या है वहां पर अपन को देगा फाल्स, ठीक है? अब अपन इस फॉर्मूले को आगे बढ़ाते हैं, ठीक है? अपन नॉर्मली कोई भी किसी भी जगह पर दूसरी चीज लिखने के लिए, जैसे कि एक साथ अपन तीन चार चीजें लिखते हैं, जैसे कि आपने लिखा दो तीन व्यक्तियों के नाम लिखे, जैसे मोहन सोहन राधा, तो आप क्या करते हो कोमा लगाते जाते हो बीच में और लिखते जाते हो, इससे अपन को समझ में आता है कि अलग अलग चीजें। इसी तरह से अब अपन को लिखना है सेकंड कंडीशन, तो अपन इस उसके लिए अपन यहाँ पर कोमा लगाना है, ठीक है? ये कोमा किसका है? सेकंड कंडीशन लगाने के लिए सेम चीज देंगे, यहाँ पर अपन ने दिया है इफ, ठीक है? फिर इसके बाद क्या था? ब्रैकेट, ठीक है? फिर इसके बाद क्या था? परसेंटेज का सेल एड्रेस, परसेंटेज की सेल एड्रेस पर क्लिक कर देंगे। नहीं करना चाहते तो आप यहाँ पर लिख देंगे इसका सेल एड्रेस क्या है, J3, ठीक है? फिर आप क्या करेंगे, यहाँ पर वही ग्रेटर देन दिया था और इक्वल दिया था, यहाँ पर भी ये दिया था, बस अपन संख्या चेंज कर देंगे, पहले 60 थी अब अपन कर देते हैं 45, ठीक है? फिर इसके बाद अपन क्या करेंगे, फिर अपन ने क्या किया था, यहाँ पर कॉमा लगाकर डबल इनवर्टेड कॉमा के अंदर क्या लिखा था, फर्स्ट, तो यहाँ पर भी अपन कॉमा लगाकर डबल इनवर्टेड कॉमा के अंदर लिख देंगे सेकेंड, डबल इनवर्टेड कॉमा क्लोज, ठीक है? इतना क्लियर है? अब अपन को लिखनी है थर्ड कंडीशन, तो उसके लिए अपन क्या करेंगे, कॉमा लगाएंगे, फिर से अपन लिखेंगे इफ और ब्रैकेट, फिर से अपन क्या करेंगे परसेंटेज के सेल एड्रेस पर क्लिक करेंगे, ठीक है? अब इसके बाद क्या करेंगे बताइए, बड़ा है बराबर है किसके, 33 के, लास्ट कंडीशन बची, कॉमा डबल इनवर्टेड कॉमा के अंदर अपन लिख देंगे थर्ड, ठीक है? डबल इनवर्टेड कॉमा क्लोज, और फिर ये आपके हो गए तीनों कंडीशन, अगर 60 या 60 से ज्यादा है तो फर्स्ट आनी चाहिए, 45 या 45 से ज्यादा है तो सेकंड आनी चाहिए, अगर 33 में पास हो जाते हैं, 33 या उससे ज्यादा है तो क्या आना चाहिए, थर्ड। अब अपनी बचती है लास्ट लास्ट कंडीशन, अगर इन तीनों में से कुछ नहीं है तो स्टूडेंट क्या है, फेल ही होगा,
तो अपन को कंडीशन देने की जरूरत नहीं, अपन लास्ट में लिख देंगे फिर, ठीक है, कॉमा लगाएंगे और डबल इनवर्टेड कॉमा के अंदर अपन लिख देंगे फिर, जो भी आपको आउटपुट में चाहिए रहता है उसको आप डबल इनवर्टेड कॉमा के अंदर ही लिखते हैं, ठीक है। अब अपन ने देखिए सभी जगह पर अपन ने ब्रैकेट स्टार्ट किए थे, इन सभी ब्रैकेट को क्या करना है, क्लोज करना है। तो अपन ने तीन ब्रैकेट स्टार्ट किए थे सबके साथ जीरो से, एक दो तीन, तीनों ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। अगर ये आपने फॉर्मूला सही लगाया है, एंटर करेंगे तो ये इस तरह से आ जाएगा। अगर इसमें कोई भी गलती या मिस्टेक है तो वो क्या देगा, एरर देगा। तो वो एरर देगा, हाँ एरर देगा, जैसे कि वो आता है ना एरर आने लगता है ओके और कैंसिल, वो इस तरह से एरर देने लगे। हाँ इसलिए अपन को इस तरह से आया समझ में, ठीक है। अगर आपको पहली कंडीशन आ गई है तो आप सभी कंडीशन दे देते हैं, ये समझ में आया अपन ने लास्ट में क्यों फेल दिया। आ जैसे कि आपके पास चार कंडीशन है, मतलब आप नॉर्मली ले लीजिए, हमने आपको चार ऑप्शन दिए, जैसे आप ऑब्जेक्टिव रहते हैं, आपको वो नहीं आ रहा, ठीक है, आपको लेकिन ये पता है कि पहला और किसी का है, मतलब इसका नहीं है, तो आप क्या करोगे, इसको छोड़ दोगे। दूसरा ये आंसर भी और किसी चीज का है लेकिन इसका है या नहीं है ये आपको पता नहीं, लेकिन जब और किसी का है तो इसका नहीं हो सकता। जैसे कि हमने आपको एक एग्जांपल दे रहे हैं, जैसे कि हमने आपको दिया सिलेक्ट ऑल की शॉर्टकट की बताइए, चार पांच शॉर्टकट की दे दी, उसमें है कंट्रोल सी, आपको पता है कॉपी की है, तो इसका मतलब ये सिलेक्ट ऑल की नहीं होगी। फिर हमने एक दे दिया कंट्रोल एक्स, आपको ये पता है कंट्रोल एक्स कट की है, और एक कंट्रोल भी दे दी, आपको ये भी पता है कि वो कंट्रोल भी पेस्ट किया, तो लास्ट क्या बचा, कंट्रोल ए बचा, तो आप तो समझ जाएंगे कि यही है। तो ऐसे ही ये करता है, अगर उसको ये इसमें नहीं मिलता, इसमें भी कुछ नहीं मिलता, इसमें भी कुछ नहीं मिलता, तो वो क्या करता है लास्ट वाले में पहुंच जाए। आया समझ में, इस तरह से। अब अपन देंगे ग्रेड, ग्रेड बताइए, दे लें बना लेंगे ग्रेड, कर लेंगे, सेम ही है, बस आपको इसमें क्या करना है, एडिटिंग करनी है। फर्स्ट की जगह पर आपको ए देना है, सेकंड की जगह पर बी देना है, थर्ड की जगह पर सी देना है, और यहाँ पर अगर आप फेल शो कराना चाहते हैं तो फेल देना है, डी शो कराना चाहते हैं तो डी देना, ठीक है। अगर आप कंडीशन बढ़ाना चाहते हैं तो बढ़ा सकते हैं, जैसे कि आपको ए प्लस, हाँ क्योंकि ग्रेड अपनी परसेंटेज के हिसाब से आती है ना, इसलिए अगर 60 या 60 से ज्यादा परसेंट है तो ए ग्रेड, मतलब वो स्कूल के ऊपर डिपेंड करता है। अब अपन को निकालना है सप्ली, अब वो तो अपन को पता नहीं है किससे निकालते हैं, लेकिन इतने सारे स्टूडेंट रहते हैं, निकाल से होंगे इससे, कोई बड़ी बात नहीं, तो भी बहुत सारे स्टूडेंट रहते हैं, इसमें क्या रहता है गलती के चांसेस बहुत ना के बराबर ही रहते हैं। अगर अपन ने कोई गलती करी है तो ही इसमें गलती होगी, अगर आपने फॉर्मूले सही से ही लगाए, सबको सही किया, तो वो कंप्यूटर का भी गलती नहीं कर सकता। अगर आपकी द्वारा कोई गलती कर दी गई है नंबर टाइप करने में या फिर फॉर्मूला टाइप करने में तो गलती हो सकती है, लेकिन कंप्यूटर कभी गलत नहीं कर सकता, ठीक है। नहीं टाइप नहीं, वो इसके द्वारा बनाते हैं, अब अपन कह नहीं सकते, हो सकता और किसी तरीके से बनाते हैं, ठीक है। अब अपन को सप्ली निकालना है, तो सप्ली कैसे पता लगाते हैं, अगर कोई स्टूडेंट एक या दो सब्जेक्ट में फेल होता है तो अपन बोलते हैं इसकी सप्ली आ गई एग्जाम दे, तो वो अपन को कैसे पता लगाना पड़ेगा, अपन को यहाँ पर ये जो सेल्स है यहाँ पर अगर उसके, जैसे कि ये स्टूडेंट है इसके 33 से एक नंबर कम, मतलब इसकी क्या है सप्ली है, तो अपन को ये निकालना है कि कितने सब्जेक्ट में इस स्टूडेंट की सप्ली है। तो उसके लिए अपन यहाँ पर लगाएंगे इक्वल, और यहाँ पर अपन यूज करेंगे फंक्शन, कौन सा काउंट इफ का, क्योंकि अपन को यहाँ पर काउंट करना है। आप काउंट इफ पर डबल क्लिक कर सकते हैं या फिर आप इसको टाइप भी कर सकते हैं। देखिए अब इसमें भी बता रहा है क्या चाहिए, इसको रेंज चाहिए, ठीक है, पहले ब्रैकेट लगाएगा फिर इसको क्या चाहिए रेंज, फिर कॉमा लगाकर क्रिटेरिया, तो हम यहाँ पर रेंज सिलेक्ट कर रहे हैं क्योंकि हमें इस रेंज में से पता लगाना है कि इस स्टूडेंट के कितने सब्जेक्ट में नंबर कम, ठीक है। तो हम यहाँ पर रेंज सिलेक्ट करना, हमने आपको बताया था पिछली क्लास में, अगर आप इस तरह से नहीं कर सकते तो आपको क्या करना है, क्लिक करना है, रेंज का साइन लगाना है, इसको कॉलन बोलते हैं, यहाँ पर संस्कृत पर जाकर क्लिक कर लीजिए तब भी वो सिलेक्ट कर लेगा। दूसरी चीज है, आपको सिलेक्ट करने में प्रॉब्लम आती है तो आप इस पर क्लिक करिए, शिफ्ट की को दबा कर रखिए, होल्ड करके रखिए, संस्कृत पर जा, मतलब संस्कृत के नीचे ये जो सेल है इस पर जाकर क्लिक कर दीजिए तब भी वो सिलेक्ट कर लेगा। अब आप रेंज के बाद वो क्या बोल रहा है, कॉमा, तो अपन लगाएंगे कॉमा,
क्रिटेरिया में पहुंच